एलपी से जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्तों, क्रोध और रोष को उतार फेंकने के बारे में मैं आपसे पहले से ही बात कर चुका हूँ। हम में से कुछ लोगों का क्रोध और रोष गायब हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ये अभी भी जिंदा रहता है। तो बाहर से राग दिखता है, लेकिन राग के थोड़े नीचे जाओ तो आग को अभी भी कहीं ना कहीं से हवा मिल रही है। जब क्रोध इस तरह का एक रूप धारण करता है तो उसको बैर भाव कहते हैं। ये कड़वाहट से अलग इसलिए है क्योंकि बैर भाव बड़ा सक्रिय है। वो हमेशा मौके ढूंढता रहता है कि किस तरह से दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाए, चोट पहुंचाए। वो केवल मौके की तलाश में है। तो एक तरह से देखा जाए तो क्रोध का सबसे भयानक रूप है बैर भाव। आपको दुनिया एक ठंडे मिजाज के व्यक्ति के समान देखती होगी, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर अभी भी आप बैर भाव लेकर घूम रहे हो। इब्रानियों की पत्री 10 में और रोमी 12 में यहोवा कहता है कि बदला मेरा है। तो आओ हम बैर भाव को उतार फेंके। आपका दिन शुभ रहे।